हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष। यूट्यूब पर स्वागत है दोस्तों। और हम आए हैं, मेरे पीछे देखो, महर्षि संदीपनी आश्रम। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। वो यहीं पे रहे थे और यहीं पे रह के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो पूरा आश्रम दिखाते हैं आपको, किस तरीके से आश्रम बना हुआ था, देखिए नज़ारे। देखिए इस तरीके का पार्क बना हुआ है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी, सुदामा जी सब यहीं पे शिक्षा लेते गए थे, जहाँ पर उन्होंने वास किया था। बहुत ही प्राचीन आश्रम है। सबसे पहले जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको प्लेस श्री कृष्ण सुदामा बलराम द्वितीय स्थल, जहाँ पे श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने दोनों ने शिक्षा ग्रहण की थी, वो आश्रम बना हुआ है। तो भाई बात ऐसी है कि मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों करना ही मना है, लेकिन मैं आपको ये बाहर जो विद्यास्थल जो बनी हुई है, देखिए ये एक ये मंदिर बना हुआ है, बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर तो अलाव है नहीं, ये मंदिर पूरा जो बना हुआ है, इस मंदिर के अंदर श्री कृष्ण जी और सुदामा जी उन्होंने शिक्षा ली थी। इसके अंदर सुदामा जी की भी मूर्ति लगी हुई है और श्री कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति लगी हुई है। और ये जो सामने आप देख रहे हो, लिखा हुआ है पाठशाला, देख सकते हैं आप, दूसरी शाला बना हुआ है, देख सकते हैं आप। ऊपर पूरी आश्रम है श्री कृष्ण जी का, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली थी। लिखा हुआ है यहाँ पे चौदह विद्याओं की कला दुर्गा। भाई मंदिर पूरा आश्रम बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बना हुआ है और बहुत बड़ा आश्रम है ये समष्टि मंदिर में 14 विद्याओं का कला दुर्गा है। लेकिन मैं अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा दोस्तों। अगर आपको अंदर से देखना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी जाके आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी हो रहा है, बिल्कुल बंद है। और ये संदीपनी आश्रम है, जिसे मैं पूरा आपको बाहर से दिखाऊँगा, अंदर वीडियोग्राफी मना है, तो हम अंदर आपको दिखा नहीं पाएंगे। पीछे मंदिर बना हुआ है, इसमें 14 विद्याएं सिखाई जाती थी। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। बाकी मंदिर पूरा आपको घूम घूम के दिखाएंगे। ये महर्षि श्री कृष्ण जी ने जो अपनी शिक्षा ली थी, सुदामा जी ने बलराम जी का, वो मंदिर है, तो देख लीजिए भाई। और अगर आप महाकाल उज्जैन आ रहे हैं तो भाई यहाँ आना बिल्कुल न भूलिए, बहुत अच्छी और देखने लायक जगह है, तो लीजिए मज़ा। ये महर्षि संदीपनी तपस्थली, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, सामने मंदिर बनाया हुआ है महर्षि जी का, जहाँ पे महर्षि संदीप जी ने तपस्या की थी। लिखा हुआ है यह शिवलिंग 6000 वर्ष प्राचीन है, महर्षि संदीप जी ने इनको बिल पत्र से उत्पन्न किया है। इनकी जलाधारी में शीशनाग के दर्शन है, जो प्राय भारतवर्ष में दुर्लभ है। आश्रम के राजस्व दोष और प्रतिदोष की मुक्ति के मार्ग है। प्रणाम सर, मेरे पास तो महर्षि संदीप जी ने की तपोस्थली है ये, जो सामने है। उन्होंने इस मंदिर की खुद उत्पत्ति की थी और यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने इसको बिल पत्र से उत्पन्न किया था। तो अंदर अगर आपको दर्शन करना है तो भाई यहाँ पे आना पड़ेगा आपको, तभी आप दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। मैं सिर्फ आपको किस चीज़ के लिए सर, हाँ महाराज ये बता रहे हैं कि कल्प सर्प जिन दोष जिनको है उनके लिए बहुत विशेष मंदिर है। अगर आप में से किसी को भी अगर ऐसा कुछ सर्प दोष है तो भाई यहाँ पर ज़रूर आइए, सर्प दोष बिल्कुल दूर हो जाएगा। और देखो कितना प्यारा नज़ारा बनाया हुआ है, ये कुंड देख ले सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा यहाँ पर चारों तरफ दिख रहा है। 64 कलाओं की दीर्घा है लिखा हुआ है, यह गोमती कुंड है, कृपया कुंड में पानी अधिक होने का कुंड में अंदर प्रवेश ना करें। तो यहाँ पे भाई आप प्रवेश ना करें वही बढ़िया है। सामने अगर मछलियाँ भी दिख रही हैं मुझे, लेकिन मछलियाँ मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, कुंड में प्रवेश बिल्कुल मना है। और देख सकते हैं बहुत ही यार, बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ है। भाई अगर आ रहे हो तो ज़रूर आओ यार, अगर
इंदौर आ रहे हो, दर्शन करना चाहते हो, तो यार श्री कृष्ण जी सुधामा जी जहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण की है, तो वो तो बनता है भाई, देखना तो ज़रूर आइए और देखिए एक बार। और मैं आपको दिखाता हूँ कि श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएं, जिनकी यहाँ पे फोटोएँ लगी हुई हैं, जिनके बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इधर लिखा हुआ है, गाना 4 प्रकार का होता है, स्वर, पद, शब्द, लय और चित्त अवधान या धम उसके केंद्र में है। तो यह जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में तस्वीर के द्वारा सब कुछ समझाया गया है, और ये सब श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाओं में शामिल है। यहाँ पे देख सकते हैं आप श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हुए दिख रहे हैं आपको। ये जितनी भी तस्वीरें हैं यहाँ पे सब कुछ दर्शाया गया है, पूरा आश्रम इन्हीं के ऊपर बनाया गया है, कैसे श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे रह के किन किन कलाओं को सीखा था, क्या क्या शिक्षा ग्रहण की थी, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल से दिखाया गया है। तो भाई अगर एक बार, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई, अगर आप भी आना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आइए और ये आश्रम देखे बगैर ना जाइए। देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। ग्रहण किया है उन कलाओं के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा नज़ारा, जिसे हम कहेंगे बहुत ही मस्त, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तीर्ण नज़ारा। जब पुराने ज़माने में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में लोग आया करते थे, और आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण करके गुरु के साधन में वो शिक्षा ग्रहण करते थे, तो ये वो जगह है, ये वो पावन धरती है जहाँ पर श्री कृष्ण सुधामा बलराम ने अपनी शिक्षा पूरी की थी, और वो मथुरा से यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आए थे। और आज मैं उस पावन धरती पे खड़ा हुआ हूँ और अपने आप को बहुत ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि यार उस धरती पर जहाँ पर श्री कृष्ण जी के पैर पड़े हैं, उस जगह हम हमारे चैनल के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो यार एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और भाई देखो कितना प्यारा बना हुआ है, और आगे बाहर सोन भी चला रखे हैं, सोन चल रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सोन नहीं, आश्रम देखिए भाई आश्रम, यार बड़ा प्यारा आश्रम लगा, सब कुछ फोटो के माध्यम से समझाया गया है। 64 तरीके की ये दिखाई गई है, यह लगा तक्षण 36-37 नंबर सब कुछ दिखाया गया। देखिए उस फील्ड से आए, देखिए कितना बड़ा पार्क है सामने से देख सकते हैं आप, पूरा मैं वहाँ से घूमकर ऐसे घूमकर इस जगह से आया हूँ, और अब मैं वापस इस जगह जाऊँगा। और ये देखिए आ गया पचरा, इधर से इधर आ चुके हैं, और देख सकते हैं आप ये नंबर आ गया है 63वां नंबर, और ये लास्ट जो इनकी शिक्षा थी 64वां नंबर, यहाँ पे आके उनकी शिक्षा पूरी होती है। और यहाँ पे दर्शाया गया है कि श्री कृष्ण जी उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं शिक्षा पूरी होने के बाद, चलते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको श्री कृष्ण जी का आश्रम जहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी? तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो मैं फिर से यही बोलना चाहूँगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मनीष यूट्यूबर को, और भाई बस अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।